नमस्कार ओडिशा द ओडिया वाला यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत। जदि आपन ओडिशा रो इंडिपेंडेंट न्यूज प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करू थांती एवं सबुदिन राज्य तथा देश विदेश रो खबर जानिबा को चाहू छंती ताहाले एबे ही हमरो ही चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु एवं वीडियो भलो लागिले गोटे लाइक करबा को भूलिबेनी। पिपिली उपनिर्वाचन मैदान रे एथर 10 प्रार्थी 6 तारिखर आरंभ हेबो पोस्टल बैलेट भोट। आज पिपिली उपनिर्वाचन पई प्रार्थीपत्र प्रत्याहार करिवार शेष दिन थिला जेउथरे मोट 10 जन प्रार्थी कर प्रार्थीपत्र चूड़ांत होइतिबा सीओ सुशील कुमार लोहनी सूचना दैछंती। एथर पिपिली उपनिर्वाचन पई मोट 15 जन नॉमिनेशन फाइल करथिले जेउथरु 3 जन कर प्रार्थीपत्र नाकच होइ जायथिला। यहपर आज आउ दुई जन प्रार्थी निजर प्रार्थीपत्र प्रत्याहार कर फल शेष को एवं पिपिली उपनिर्वाचन में 10 जन प्रार्थी रहा चूड़ा हो। बाचस्पति उपरको चपल फोपाड़े राज्यसभा विधानसभा तुमूलकांड बाचस्पति पोडियम उपरको चपल इयरफोन और कागज फोपड़ा जाइए। खणी प्रसंग में मुलतवी प्रस्ताव अणा जाता तेज बाचस्पति सूर्यनारायण पात्र अनुमति न देवारु कांग्रेस सदस्य हो हल्ला करते बीजेपी सदस्य मध्य खणि प्रसंग में आलोचना दाबी कर हो हल्ला करते बाचस्पति पोडियम उपरको चपल इयरफोन फिंगा जा नहीं गणमाध्यम सूचना देते विरोधी दल उपनेता विष्णु चरण सेठी। बाचस्पति उपरको चपल फोपाड़ा घटना तीन विधायकों सस्पेंड पर निर्देश देले बाचस्पति। चलित विधानसभा अधिवेशन पर तीन विधायक सस्पेंड हेले विष्णु सेठी जयनारायण मिश्र और मोहन माझी। आउ ट्रेन ने करी हेबनी चार्जिंग राति रे काम करिबनी चार्ज पॉइंट मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग रे कटकणा तेबे शॉर्ट सर्किट मोबाइल ब्लास्ट किंबा अन्यन कारण विभिन्न समय ट्रेन ने निया लागुछि। राति रे अघटन यात्री जीवन पर बड़ विपद आणुवर निआ को आयत एवं निआ व्यापीबा को रोकिबा को राति रे चार्जिंग सेवा बंद करबा को बड़ निष्पत्ति नै छि रेल विभाग। राति 11:00 रु सकाळ 5:00 जाय समस्त चार्जिंग पॉइंट अचल होइ जियो बोली पूर्ण थरे सकाळ हेबा परे पूर्वपरि काम करिवो। कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी श्रीमंदिर एसओपी जारी भक्तों पर रविवार बंद श्रीमंदिर रविवार श्रीमंदिर संपूर्ण सानिटाइज करा सप्ताह को दुई दिन रात्रिकालीन सानिटाइज व्यवस्था कड़ाकड़ी पालन हेबो कटकणा। ओडिशार 10 जिले में नाइट कर्फ्यू यही जिलागुड़िक मध्य रही सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर बरगढ़ बलांगीर नुआपड़ा कलाहांडी नवरंगपुर मालकानगिरी और कोरापुट जिले में नाइट कर्फ्यू लागू होई तेबे आसंता 5 तारीख अर्थात सोमवार ठारु एही कटकणा लागिबो। राति 10:00 सकाळ 5:00 जाए बळवत्तर रहिबो नाइट कर्फ्यू कटकणा। मेडिकल किंबा अन्य इमर्जेन्सी रे लोक जातायात करिपारिबे डाक्टर मेडिकल और पारामेडिकल स्टाफ को कार्य जारी रहिबो। जरूरीकालीन स्वास्थ्य सेवा रे थिबा कर्मचारी और आंबुलांस सेवा जारी रहिबो। बिजुली अग्निशम सेवा टेलीकॉम कळ जोगाण रेलबाई विमान सेवा और जातायात सुविधा जारी रहिबो। परिचय पत्र देखाई आईटी स्टाफ जातायात करिपारिबे। समस्त शिल्पायन यूनिट निर्माण कार्य मेडिसिन दुकान खोला रहिबो। सरकारी होमियोपैथिक कॉलेज रे रैगिंग अभियोग दिल्ली आंटी रैगिंग सेल रे अभियोग पर घटनार तदंत आरंभ। मिलिथिबा सूचना अनुजाई केतक जूनियर छात्री सीनियर छात्री विरुद्ध रैगिंग अभियोग आनी गत 1 तारिख रे एने दिल्लीर नेशनल आंटी रैगिंग सेल रे अभियोग होइथिला। अभियोग मिलिबा परे कॉलेज आंटी रैगिंग सेल पक्षरु तदंत आरंभ होइछि। अपर पक्ष रे कुहा जाउछि जे गत मार्च 31 तारिख रे दुई गोष्ठी छात्री मध्य हॉस्टल रे भलो मानर खाद्य परिवेषण हेउ नथिबाकु नै विवाद देखा दैथिला। चलित बर्ष राज्य में 1000 किलोमीटर रास्ता और 30 बड़ सेतु निर्माण हेबो खर्च हेबो 2300 कोटी टंका राज्यवासी को बड़ भेटी देले नवीन। आस्कार एक सेतुर उद्घाटन बेले एभली मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ब्रिटिश समय दुईट पुराणा सेतु को भांगी एहा को निर्माण करा जाउछि। जिलार विभिन्न अंचल रास्तापी यह एक गुरुत्वपूर्ण संजोग भाव कार्य कर आस्का भंजनगर छत्रपुर अन्यान्य सहरर भुवनेश्वर को दूरता मध्य कमिबो। एहा द्वारा 3.5 लाख रु अधिक लोकों को गमनागमन रे सुविधा हेबो।
ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ନର୍ସ, କଥା ହେଉ ହେଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ଦେଇଦେଲେ କରୋନା ଟୀକା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଦେହାତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟୀକାକରଣ ଚାଲିଥିଲା। ସେଠାରେ କମଲେଶ ଦେବୀ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଟୀକା ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଫୋନ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା NMA ଜଣଙ୍କ କମଲେଶ ଦେବୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଟୀକା ଦେବା ବଦଳରେ ଦୁଇଥର କରୋନା ଟୀକା ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ହୋହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିବେ, ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।